हम वो लोग हैं ना जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, वो लोग जो पति की चोरी कर रहे हैं, जो हमारे भोजपुरी में एक शब्द कहा जाता है भतार चोरवा, मैंने जी कहा जी है इस बात को कि जी वो जी लोग जो दूसरे के भतार की चोरी कर रहे हैं, वो लोग जिनकी बेटी गोवा में बीफ चिली बेचती है, जो बियर बेचती है, जो रम बेच रही है, तो भाई कौन है जो अपने आप को इन तमाम चीजों में अपने आप को पा रही है कि ये मैं ही हूं जो मेरे बारे में विषय में बोला जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं उनके विषय में बोल रही हूँ जो लोगों को लगता है कि हाँ हमने ऐसा किया है, क्योंकि जी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही मर्यादा को तार तार किया है, हमेशा चारा छोड़ ही अपनी भाषाई और अपनी बदजुबानी के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे के तक लोगों ने हमेशा उसको दिखाया है। आपने देखिए किस तरीके से कांग्रेस की विधवा हो ऐसे शब्द हो, या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, जर्सी गाय हो, या 50 करोड़ की कॉल गर्ल हो, झुकना नहीं जानते हैं हम लोग, अपना सर कलम कराना जानते हैं हम लोग, लड़ाई करना जानते हैं। लड़ाई जो है अब आर पार की होगी, देश की जनता इनको जवाब देगी, अपने वोट से देगी, अपने मत से देगी, अपने ताकत से देगी। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ हैं खास मेहमान सारिका पासवान, उनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टेट स्पोक पर्सन के साथ साथ वो स्टेट सेक्रेटरी भी है। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, पहला सवाल तो आपकी बेबाकी को लेके कि जिस तरीके से आप लगातार केंद्र सरकार से सवाल करती हैं, और इस बार तो आपने केंद्र मंत्री को घेरा है, क्या जरूरत पड़ गई कि स्मृति ईरानी को इस तरीके से आप रिप्लाई करने पर मजबूर हो गई? देखिए देखिए, पहले जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, और जब देश में कहीं भी महिलाओं पे या बच्चियों पे किसी भी तरह के, चाहे बलात्कार हो, चाहे हत्या, या ऐसी जब जघन्य घटनाएं हुआ करती थी, तो यही स्मृति ईरानी थी ना जो चूड़िया भेजा करती थी उनको। जी और जब ये सत्ता में आई तो अचानक इनकी चूड़िया जो है ना वो कांच से हीरे में तब्दील हो गई। अब इनके खुद के ही सांसद महिला खिलाड़ियों के स्तनों पे हाथ रख देते हैं, उनको मोलेस्ट करते हैं। अब इनके ही लोग जो है ना आदिवासियों पे, दलितों पे पेशाब कर देते हैं। अब जी भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में दलित जब घोड़े पे चढ़ते हैं तो उनको उतार के मारा जाता है, लेकिन ये ऐसे मुद्दों पे ये चुप रहते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, अब इनकी महिलाएं, खास करके भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को मैंने देखा है कि फेमिनिज्म के ओट में खड़े होकर के ये जी हमेशा ही अपने विपक्षियों पे लगातार ये प्रहार करती हैं। तो मैं जी इनको बताना चाहती हूँ, हमारी बिहार की जनता जो है ना, और बिहार की धरती जो है ना, वो क्रांतिकारी भूमि है, और जी यहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, जननी है ये धरती, जी यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन का भी बिगुल फूका गया था, और यहाँ तो हर बच्चे बच्चे के दिल में जो कहते हैं ना राजनीति जन्म है, जन्म लेती है, पैदा के साथ ही होते हैं वो। और खास करके जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी की, जो कि सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं, और अभी आपने देखा होगा निधि जी कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जी ने आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ी, और महज 17 महीने में उन्होंने बम्पर बहालियां की बिहार के संदर्भ में, और जहां की उन्होंने 48% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी पार्टी, हमारे नेता जो हैं वो किस तरीके से, चाहे महिलाओं के संदर्भ में हो या बिहारवासियों के संदर्भ में, काम करती है। और मैं आपके मार्फत बताना चाहूंगी निधि जी, जी हमारी ही सरकार में सबसे पहली बारी महिलाओं की मासिक धर्म के दौरान 2 दिनों की स्पेशल लीव को भी ग्रांट किया गया था। तो हम तो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिन्होंने समानता और स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करते हैं। जी और निश्चित रूप से जब ये आप आरजेडी की खूबियां गिनवा रही हैं। वो काम तो लगातार स्मृति ईरानी जी भी कर रही हैं, बाल विकास मंत्रालय उनके हाथ में है, और लगातार वो महिलाओं के मुद्दों पर भी बात करती हैं। आप देखेंगी कि किस तरीके से ग्लोबल चेहरा बन चुकी हैं स्मृति ईरानी, और आप उन पर सवाल खड़ा कर रही हैं। देखिए, मैंने इसलिए कहा कि कुछ लोग हैं ना भारतीय जनता पार्टी के जो वो फेमिनिज्म के ओट में बहुत हरकतें करते हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि फ्लाइंग किस वाले मुद्दे पे किस तरीके से वो, अगर आप औरत हैं तो उसका बेजा इस्तेमाल करके आप अगर इस तरह की हरकतें करती हैं तो निधि जी कोई तो जवाब देगा ना। और मैं यही बताना चाहती हूँ, हम हैं यहाँ, हम बिहार में, हम वो लोग हैं ना जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और अगर जी भारतीय जनता पार्टी इसी भाषा में उनको बात समझ में आती है तो निश्चित रूप से हम उनको उसी भाषा में जवाब देंगे। देखिए, बहुत साधारण प्रश्न था निधि जो पूछा गया था कि
कि परिवार के नाम पे, जो कि भारतीय जनता पार्टी लगातार परिवारवाद पे सवाल करती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद के कई नमूने हैं, जी एग्जाम्पल्स हैं, अमित शाह के बेटे हो, पीयूष गोयल हो, या फिर अनुराग ठाकुर हो, अनगिनत ऐसे, चिराग पासवान भी उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो भी एक परिवारवाद के ज्वलंत उदाहरण के रूप में है। तो जी मुझे नहीं लगता कि परिवारवाद पे भारतीय जनता पार्टी को का मुंह भी बनता है बोलने के लिए, बावजूद इसके उन्होंने बोला। और आज जिस तरीके से कि हैशटैग शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि 140 करोड़ जनता को उनका परिवार है, जी हम तो प्रश्न कर सकते हैं ना, हम तो, मैं महिला हूं, मैं पूछ लूं कि आपकी पत्नी कहाँ है, तो क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि वो हैशटैग शुरू करे कि कौन है मेरी पत्नी, तो क्या अंधभक्त कहेंगे कि मैं हूं आपकी पत्नी, मैं हूं आपकी पत्नी। तो देखिए, ये दिख रहा है कि किस कुकृत मानसिकता का ये लोग परिचय दे रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप 140 करोड़ जनता को अपना परिवार कहते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की बेटी का बलात्कार हाथरस में हुआ था, दिन में उसकी लाश को जलाया गया था, जी तब ये नरेंद्र मोदी जी अपने परिवार के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? जब इसी नरेंद्र मोदी जी की बहनों को नंगा मणिपुर में घुमाया गया था, उनके शरीर के साथ छेड़खानी की गई थी, तब ये नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे? 2 दिन जी पहले की घटना है कानपुर में, 2 बच्चियों का बलात्कार किया गया, नरेंद्र मोदी जी की 2 बेटियों का बलात्कार किया गया, तब आज नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? जी सिर्फ राजनीति रोटी सेकने के लिए मंचों पे से खड़े होकर के ये बोल देना कि जी आप हैं मेरा परिवार, 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, और 140 करोड़ जनता के हाथों में आप कटोरा थमा दीजिए, चंद लोगों को सिर्फ आप लाभ पहुंचाइए, अडानी अंबानी और नीरव मोदी जैसे लोगों को के लोग ही सिर्फ आपके चहेतों की लिस्ट में हैं, जी वही लोग हैं जिनके हाथों पूरी देश की संपत्ति है, बाकी तो जनता आज 5 किलो राशन पे डिपेंडेंट है, 111वें पनान पे हमारा देश वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में पहुंच गया है, तो क्या ये कहीं से भी हमारे लिए गर्व का विषय हो सकता है क्या? इन लेकिन विषयों पे क्यों 47 पे नहीं? हम विकसित भारत बनने की कोशिश पर हैं, उस पर लग चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने जो सपना देखा है 2047 तक भारत को उन ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे कि ग्लोबल शहरों में, देशों में भारत का भी नाम शुमार होगा। देखिए, 2018 में जो बेरोजगारी की संख्या थी वो 2022 में 48% पे चली गई है, तो आप समझ लीजिए कि अगर भाजपा केंद्र में बनी रही तो हम लोग 247 में कहाँ रहेंगे। देखिए, ये वही लोग हैं, नीति जी मैं आपको बताना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा चेहरा नहीं है जो वो आगे आकर के कह सके कि जिन्होंने भारत की आजादी में कोई योगदान रहा। भारत से प्यार करने वाले लोग जब 200 सालों की आजादी के लिए लड़ रहे थे अंग्रेजों से, वो जी अंग्रेज भी बहुत ताकतवर थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उनके पास, जी उनके पास पैसा था, उनके पास अहंकार था, उनके पास क्रूरता की हद पार करने की तमाम हथकंडे थे, और उस समय भी जो लोग देश को प्यार करते थे उन्होंने रण का रास्ता चुना, और जी जो भगोड़े थे उन्होंने संघ का रास्ता चुना, और जी पुनः आज देश में वही स्थिति व्याप्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी आज अंग्रेजों की उसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम करती है, लोगों जी को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बांटती है, मंदिर के नाम पे, सनातन के नाम पे वो घृणा और द्वेष पैदा करती है। लेकिन कहते हैं ना, हर एक अहंकार, जवानी और सत्ता का जो है एक्सपायरी डेट होता है, और जी भारतीय जनता पार्टी का एक्सपायरी डेट 2024 है, बिहार की जनता और देश की जनता ने ये निर्णय ले लिया है, तो निश्चित रूप से आपने जिस तरीके से स्मृति ईरानी को घेरने की कोशिश की, आपने उनके पर्सनल निजी जीवन पर अटैक किया कि उन्होंने सहेली के पति से विवाह कर लिया, जबकि हालांकि पुरुष भी दोषी है उस चीज में। लेकिन आखिर वजह क्या थी? उन्होंने तो सिर्फ लालू जी को चारा घोटालेबाज कहा था और आप सबने उनको घेरने की कोशिश की। देखिए निधि जी, हमारे यहाँ कोर्ट है ना, हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सारे जजमेंट तो जो होते हैं ना वो वहीं से होते हैं, और आपने देखा होगा कि कहीं भी किसी भी जजमेंट में चोर जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन जब आप किसी को अपमानित करने के लिए पर्सनल अटैक करते हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर आप राजनीतिक मंचों पर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम आपका जवाब, ईद का जवाब पत्थर से देने के लिए है। और जी मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि वो लोग जो पति की चोरी कर रहे हैं, जो हमारे भोजपुरी में एक शब्द कहा जाता है भतार चोरवा, मैंने कहा जी है इस बात को कि जी वो जी लोग जो दूसरे के भतार की चोरी कर रहे हैं, वो लोग जिनकी बेटी गोवा में बीफ चिली बेचती हैं, जो बियर बेचती हैं, जो रम बेच रही हैं,
तो भाई कौन है जो अपने आप को इन तमाम चीजों में अपने आप को पा रही है कि ये मैं ही हूं जो मेरे बारे में विषय में बोला जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं उनके विषय में बोल रही हूँ जो लोगों को लगता है कि हाँ हमने ऐसा किया है। तो देखिए निधि जी, कहीं भी अगर आप किसी के ऊपर भी अगर पर्सनल अटैक कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनको जवाब देने के लिए उसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही मर्यादा को तार तार किया है, हमेशा ही अपनी भाषाई और अपनी बदजुबानी के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे के तक लोगों ने हमेशा उसको दिखाया है। आपने देखिए किस तरीके से कांग्रेस की विधवा हो ऐसे शब्द हो, या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, जर्सी गाय हो, या 50 करोड़ की कॉल गर्ल हो। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में भी मौनी बाबा रेनकोट पहन करके नहाने वाले व्यक्ति और ऐसे तमाम चीजों को उन्होंने कहा है। तो देखिए जो खुद लोग जो ऐसे लोग हैं जो हमेशा मर्यादा को जिन्होंने तार तार किया, मुझे नहीं लगता इस मर्यादा पे उन्हें बोलने का अधिकार भी बनता है। जी आपने मर्यादा की बात की और बिहार की जनता अपनी राजनीति के लिए जानी जाती है, और कहावत है कि बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानती है। तो क्या 24 में बिहार की जनता मूड बना चुकी है कि बीजेपी का खाता नहीं खुलने वाला है? मैं कह रही हूँ इसके पहले जब नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि मैं तो चाय बेचता था, जी मैंने नाली से गैस निकाला, उस नाली के गैस से मैंने चाय बनाया, मैं फकीर था, और कहते हैं ना जनता के हाथों में ताकत होती है, और उस जनता ने अपनी ताकत को नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करके अपनी वो ताकत नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपा। जी बदले में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, अपने भिखारी वाला कटोरा उन्होंने देश के हर एक व्यक्ति के हाथों में थमा दिया। जी तो बिहार और देश की जनता, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, बिहार ये तय करेगा, बिहार ने हमेशा से ही तय किया है, और बिहार और यूपी ये तय करेगी कि केंद्र की सत्ता 2024 में बदलेगी। और जिस भरोसे को नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा है, तो देश की जनता इतनी मूर्ख तो है नहीं कि बार बार आपको मौका देगी कि आप जी उनके साथ छल करें, जुमलेबाजी करें, धोखाधड़ी करें, फरेब करें। पहले 2019 का चुनाव आपने इन्हीं एजेंडों पे लड़ा, जी हमारे नेता ने तो भाई नौकरी देने की बात पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, और महज 17 महीने में उन्होंने अपने किए गए वादों को पूरा किया, और पूरे देश में उन्होंने नजीर पेश की, बिहार जो है वो नजीर पेश किया। और अगर आज बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद कह रही है तो कारण वही है। तो जी मुझे लगता है कि एक सकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए, और मुझे पता है कि वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें तो हमेशा जात धर्म हिंदू मुस्लिम ये द्वेष घृणा और यही पैदा करना उन्हें आता है। लेकिन देश की जनता को विकास चाहिए, देश की जनता को रोजगार चाहिए, देश की जनता को आपने बात की धर्म की, जाति की। क्या लालू जी को बदनाम करने की वजह असली क्या है, पार्टी की वजह से या जाति की वजह से उनकी जो छवि है उसको खराब किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही बहुजनों का, पिछड़ों का, दलितों का और आदिवासियों का अपमान करते हैं। मैं आपको दो एग्जाम्पल अगर दे दूं, आपने देखा किस तरीके से हमारी महामहिम जो देश की हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, और उनको किस तरीके से, जिस तरीके से पार्लियामेंट्री हाउस का जब उद्घाटन किया गया उस समय भी उनको उससे दूर रखा गया, रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से भी उनको दूर रखा गया। इतना ही नहीं, इसके पूर्व में भी एक दलित समाज से हमारे महामहिम आया करते थे जिनको कि उड़ीसा के मंदिर में उनको प्रवेश तक नहीं दिया गया, और इन्हें बर्दाश्त नहीं है जिस तरीके से उन्होंने झारखंड के जो हमारे जी मुख्यमंत्री जो हेमंत कि एक सोरेन, आदिवासी समाज से आते थे उनके पीछे उन्होंने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को भेजा उन्होंने। हालांकि भ्रष्टाचारियों की फहरिस्त कितनी भारतीय जनता पार्टी में लंबी है, और आज भी आप देखिए ईडी और सीबीआई के जो मुकदमे हैं वो जो भी हैं वो सारे विपक्षों पे ही हो रहे हैं। 90% ऐसे केसेस हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्षों पे हो रहे हैं, और ऐसे जो कल तक ईडी और इनकम टैक्स के जिनके घरों पे छापा पड़ते थे और जिन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो उनके उनको क्लीन चिट दे दी गई, ऐसे कई उदाहरण है, छगन भुजबल भी उसमें से एक उदाहरण है। वो तो भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो जाता है उसे क्लीन चिट मिल जाती है, उसके ऊपर से ईडी और इनकम टैक्स की जांच बंद हो जाती है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी तो सामाजिक न्याय के पुरोधा है ना, वो तो लड़ने वाले लोग हैं, झुकने वाले लोग तो है नहीं हम लोग। और हम लोग जिस समाज से आते हैं हम जानते हैं हम झुकना नहीं जानते हैं, हम लोग अपना सर कलम कराना जानते हैं, हम लोग लड़ाई करना जानते हैं। जी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, तो कभी ईडी इनकम टैक्स और अपने ऐसे सरकारी तंत्रों का हिसाब करती है और उससे भी थक जाती है तो सामाजिक रूप में, सामाजिक और राजनीतिक मंचों पे भी वो बेइज्जती करने का काम करती है। लेकिन निधि जी, हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हमें ऐसे बातों से
प्रभाव नहीं पड़ता है और हमारी लड़ाई निरंतर बदस्तूर जारी रहेगी। जी, आरजेडी की क्या तैयारी है 24 को लेके, क्योंकि ना बहुजनों के पास, बहुजन लीडरों के पास ना टीवी है, ना अखबार है, और ना ही एजेंसियां हैं, जिसका डर लगातार सरकार अभी फिलहाल विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है। और रही बात ईवीएम जैसा मुद्दा भी देश में गरमाया हुआ है, ईवीएम को लेके भी काफी सवाल उठते हैं, तो क्या तैयारी है आरजेडी की? देखिए, जब बिहार में जाति आधारित गणना हुई और जो चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए, तो भारतीय जनता पार्टी समझ गई कि अगर पूरे देश में अगर जाति आधारित गणना हुई तो ये कहीं भी अपने आप को एग्जिस्ट ही नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी कहीं टिकेगी ही नहीं, क्योंकि ये जिन एजेंडों पे, जिन मुद्दों पे लड़ाई लड़ती है, उस एजेंडों को, उस मुद्दे में तो कभी वो जनसंख्या आती ही नहीं है। हमेशा इन्होंने हिंदुत्व के नाम पे दलितों को, पिछड़ों को, बहुजनों को हांकने का काम किया, प्रयास किया है, सिर्फ और सिर्फ उनकी वोट से इनको मतलब है। जब इन्हें राजनीति रोटी सेकनी होती है या जब चुनाव होता है, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई मैं तो पिछड़ों का बेटा हूँ, हाँ मैं तो दलितों का सम्मान करता हूँ, और जब ये चुनाव समाप्त हो जाता है तो उन्हीं पिछड़ों को, उन्हीं दलितों पे ये शोषण करते हैं, जी उनकी हकमारी करते हैं, उनके आरक्षण पे ये प्रहार करते हैं। तो ये चेहरा जो है देश की जनता के समक्ष है, और लड़ाई जो है अब आर पार की होगी, और जो प्रतिशत पूरे देश में है, बहुजन समझ गए हैं हमारे देश में क्या प्रतिशत है, और अब ये हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, और ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी भी समझ गई है, और निश्चित रूप से 2024 में पूरी देश की जनता इनको जवाब देगी, अपने वोट से देगी, अपने मत से देगी, अपने ताकत से देगी। जी हाँ, 3 मार्च को तेजस्वी यादव की गांधी मैदान में एक भव्य रैली हुई, जिसमें लाखों की संख्या में, तादाद में लोग एकजुट हुए, लेकिन इस रैली की कहीं कोई चर्चा नहीं थी। टीवी अखबार पे जब आप बात करेंगे तो मेन स्ट्रीम इस रैली को फ्लॉप दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसकी असली वजह क्या है कि मीडिया ने, टीवी अखबार में बैठे पत्रकारों ने सरेंडर कर दिया सरकार के सामने? ये तो बहुत पहले से है, हम जी कहते हैं कि गोदी मीडिया, और हमें लगातार ऐसे चैनल्स में जाने का मौका मिलता है, और हमें कई बार ऐसे मौके आते हैं कि जब अगर हम मोदी जी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के नियत पे अगर हम प्रश्न करते हैं, तो हमें बहुत अपमानजनक शब्दों का भी एंकर्स के द्वारा और सुनने को मिलता है। कई बार हमें स्टूडियो से बाहर भी निकाला गया है, गेट आउट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है हमारे लिए, और वो भी एक प्राइम चैनल्स के एंकरों के द्वारा ये चीजें की गई हैं। जी तो ये तो हम जानते हैं कि ना हमारे साथ मीडिया है, ना हमारे पास इनके जैसे तंत्र हैं, ना हमारे पास सरकारी मशीनरीज हैं जिसका कि हम दुरुपयोग करें, जी और हमारी लड़ाई निश्चित रूप से एक पूंजीपतियों से और उस मानसिकता वाले लोगों के साथ है, उस मनुवादी सोच वाली पार्टी और उस जमात के साथ है। तो हमारी लड़ाई निश्चित रूप से कठिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हम उन मुश्किल और उन विपरीत हालातों में भी लड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जन समर्थन है, जी हमारे पास लोगों का विश्वास है, और लोगों के उस विश्वास के साथ हम अपनी लड़ाई को आगे जारी कर रखे हैं। और जो 3 तारीख को बिहार के गांधी मैदान में जो रैली की गई, वो जन समर्थन, वो सैलाब, वो प्यार जो उमड़ा था, वो किसी मीडिया की वजह से नहीं उमड़ा उमड़ा था, वो जी किसी तंत्र या किसी, जो कहते हैं, मशीनरीज के इससे जी सहयोग से नहीं उमड़ा था, वो जी भीड़ तो वो थी जो 500 किलोमीटर से दूर से चल करके खुद आई थी समर्थन में उन लोगों के विपरीत, जो भारतीय जनता पार्टी जो हवा पूरे देश में चला रही है, उस हवा के विपरीत चल के वो समर्थन देने के लिए गांधी मैदान तक पहुंची थी। और वो भीड़ मुझे लगता है काफी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुखार लगाने के लिए, और लगातार उस दिन से लेके आज तक मैं देख रही हूँ जिस तरीके से अनर्गल बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। आज ही एक डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने मुझे कह दिया कि ये लोग तो सावन में गौ मांस खाते हैं। आप समझिए इनकी सोच क्या है, इनकी मानसिकता क्या है, कितनी कुकृत भावना है इनके अंदर, बेइज्जत करने की और अपमान की किस चरम सीमा पे ये जाते हैं। लेकिन नहीं, हम बड़े सकारात्मक तरीके से लोगों के सामने, हमारे नेता और हम लोग भी रहते हैं और खड़े हैं, और यही कारण है कि आज पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है। जी हाँ, 24 का चुनाव नजदीक है और आप बेबाक होके बोलते भी हैं, और 2 दिन बाद वुमेन्स डे भी है, तो महिलाओं को, यूथ को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यूथ कहीं ना कहीं हताश निराश हो गया है, और जो बचा कुचा यूथ है वो धर्म का डंडा और झंडा लेकर लंबी लंबी कतारों में लग रहा है, और असली नेताओं को ही नहीं जान पा रहा कि हमारे असल मुद्दों पर कौन काम कर रहा है। क्या कहेंगी हमारे लाखों दर्शकों को?
देखिए, मैंने कहा कि वो लड़के जो है ना, वो यूथ जो आज धर्म का झंडा लेकर के नरेंद्र मोदी जी के पीछे हिंदुत्व के नाम पे घूम रहा था, वो यूथ भी जग गई, क्योंकि वो जान गए हैं, वो जान गए हैं कि इनके बेटे हॉवर्ड में जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए, और हमारे घर में तो एक नौकरी तक नहीं है, हमारे तो धर्म के नाम पे हमें झंडे पकड़ा दिए जा रहे हैं और पीछे पीछे हम इनके घूम रहे हैं और ये हमें हांकने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि हिंदू के नाम पे ये जो तमाम जातियों को हांकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, इनको असली चेहरा इनके सामने आ गया है। जब बिहार में जाति आधारित गणना की संख्या सामने आई तो बिहार के लोग तो जग गए कि भाई हमारे अधिकार तो हमारी जाति के अनुसार, हमारी संख्या के अनुसार मिलनी चाहिए, क्यों हमारी हकमारी हो रही है, क्यों आज भी ऐसी कई जातियां हैं जो मुख्य धारा में नहीं आ पाई हैं, आज वो आगे आ रही हैं, उनको आगे आने का जो साथ किसने दिया? हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने दिया, क्योंकि हम लोग हमेशा से ही सामाजिक न्याय में भरोसा करने वाले लोग हैं। तो जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से समझ गई है कि अब हम इन्हें धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, देखिए ना, रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कितने दिनों तक कार्यक्रम चला, जी आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ, कल के बाद से वो न्यूज खत्म हो गई, अब तो चैनलों के पास था भी नहीं कि वो चलाए तो क्या चलाए, क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से भटका करके लोगों को ये प्रयास वो करती है, लेकिन देश की जनता को आज रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। और 2 दिनों के बाद आज वुमेन्स डे है, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे बिहार में जब नौकरियों को तेजस्वी यादव जी बांट रहे थे, उसमें 48% भागीदारी महिलाओं की रखी गई, यानी महिलाओं के लिए लगातार समानता के साथ, स्वतंत्रता की बात तो हम करते हैं और समानता को भी ध्यान में रखा गया, और महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन हर जगह हो, चाहे हमारे संगठन में भी, जब जी संगठन का भी हमारा जब चुनाव चल रहा था, ढांचे को जब तैयार किया जा रहा था, वहां भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसका ध्यान हमारे पार्टी में रखा गया। तो मुझे लगता है कि मुझे फक्र महसूस होता है कि मैं उस पार्टी की सदस्य हूं जहां पे कि हम महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है और हम महिलाओं को आगे बढ़ने का तमाम मौका दिया जा रहा है। जी एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल है। जब तेजस्वी और नीतीश जी साथ में सरकार बनाते हैं तो जंगल राज हो जाता है, वही नीतीश जी अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो उसको भारत की जो मीडिया है वो दूसरे एंगल से दिखाती है। तो इसको आप कैसे देखती हैं कि जाति के आधार पे विरोध होता है कि पार्टी के आधार पे, और लगातार नीतीश को लेकर ज्यादातर आरजेडी नेताओं से सवाल पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जाति के आधार पे ही जो है ना अपने एक्शन प्लान करती है, वो हमेशा से ही, और जो भी उनके, आप देख लीजिए, ईडी और इनकम टैक्स के जो भी केसेस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो जाति देख करके ही उनके ऊपर वो अपने टट्टुओं को भेजते हैं, और इनको बुरा लगेगा, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि सामाजिक न्याय के पुरोधा अगर लालू प्रसाद यादव जी को कहा जाता है, तो वो दौर ऐसा था जबकि जो दबे कुचले समाज के लोग थे उनको इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने अधिकारों के लिए आकर के सामने बोले, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि डीएम और एसपी के सामने आकर के वो कुर्सी पे बैठ सके, वो दौर ऐसा था, उस समय लोग खटिया लगा करके बैठ नहीं सकते थे बड़े लोगों के, सो कॉल बड़े स्वर्ण जाति के सामने, लेकिन वो दौर बदला, 90 के दशक में वो दौर बदला, और लोगों को ताकत और हिम्मत और सपोर्ट पीछे से लालू जी ने दिया कि नहीं, तुम अपने अधिकारों के लिए आओ, लड़ो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो जब, अब आप समझिए, कहां एक तरफ जहां लोगों को हिम्मत नहीं थी और कहां अचानक उनके अंदर हिम्मत आई, तो वो असल में जंगल राज हुआ इन लोगों के लिए। इनको लगा कि जो आज तक हमारे पास कुर्सियों पे बैठने का हिम्मत नहीं करता था, जो जमीन पे बैठा करता था, जो चप्पल को अपने माथे पे लेके घुमा करता था, उसकी आज इतनी हिम्मत हो गई जो आज मेरे सामने कुर्सी पे बैठ रहा है, तो वो इनके लिए निश्चित रूप से जंगल राज रहेगा। और मुझे लगता है बिहार को वैसे जंगल राज की आवश्यकता है कि समाज में हर एक शोषित वर्ग जो है वो मुख्य धारा में आए, अगर मुख्य धारा में आए, अपने अधिकारों की लड़ाई को अगर भारतीय जनता पार्टी जंगल राज का नाम देती है, तो मुझे लगता है बिहार के हर एक जनता चाहती है कि बिहार में पुनः जंगल राज कायम हो। जी तो 24 में आप पूरे आर पार की लड़ाई में हैं कि बीजेपी को इस बार उखाड़ फेंकेंगे सत्ता से। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम मुद्दों पे बिहार तो खासकर से अनदेखा किया गया, बजट में भी आपने देखी किस तरीके से प्रावधान बिहार के लिए रखा गया है, इन लोगों ने हमेशा सौतेला व्यवहार किया, जबकि डबल इंजन की सरकार थी 17 सालों से, तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ बिहार में सरकार थी, लेकिन जी आज तक नहीं हुआ कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाए, या बजट में भी ऐसे कई क्षेत्र, देखिए 70% आज भी हमारे बिहार में जो है ना, लोग जो है कृषि पे ही निर्भर करते हैं, जी लेकिन किसान भाइयों के लिए भी कभी भी कृषि पे एक विशेष पैकेज का नहीं ध्यान रखा गया। ऐसे कई विभाग हैं, टूरिज्म विभाग हो या अन्य ऐसे विभाग हैं, जिसपे कि अगर चाहती केंद्र सरकार, तो
अतिरिक्त बजट का प्रावधान करके बिहार को विकास की एक नई दिशा तय कर सकती थी, लेकिन बिहार को हमेशा से ही सौतेले व्यवहार में इन लोगों ने रखा, और उस बिहार को जहां की 39 सांसद बिहार ने इनको देने का काम किया। तो जी बिहार और बिहार का हर एक व्यक्ति समझ गया है कि 2024 में तख्त पलट करना है और केंद्र से बीजेपी को हटाना है और उस जी सरकार को लाना है जो हमारे लिए सोच सके, हमारे लोकतंत्र को की रक्षा कर सके, हमारे संविधान की रक्षा कर सके और हमारे लिए समानता और स्वतंत्रता के फैसले ले सके। तो निश्चित रूप से पूरी बिहार, पूरी देश की जनता इस बार 2024 में भाजपा मुक्त भारत करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी सारिका पासवान। हाँ, तमाम मुद्दों पर बात की जो जनता के जहन कहीं ना कहीं सरकार से पूछ नहीं पाते। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।